हाय अशर हेलो पानी हाउ आर यू वेरी मेरे इतने एंथुजियास्टिक हेलो का हेलो पानी नहीं वो भी मैंने मेरा भी इंट्रो के अंदर है पर अंदर अभी तक आवाज में नहीं आया पर मैं तो बढ़िया हूँ आप कैसे हो मैं भी बढ़िया हूँ आई थॉट मैं आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूँ देन आई वाज जस्ट लाइक आई विल टेल यू दैट यू आर द गाय जी हु एजुकेटेड मी ऑन हु गोपी बाहु इज ओह या आर यू डेंट नो अरे

But tell me something. This obviously must not have been the first thing you worked on. With her? No, in general, in yeah. music. Yeah, yeah. पहले हमने बहुत कुछ किया होगा. जी जी जी. But I would imagine this is the first thing जो एकदम. या yeah, या yeah. उसके पहले मैं, मैं ये वीडियोस तो ऐसे भी बना ही रहा था और uh, मैं फ्रीलांसिंग करता था तब hmm. जिंगल्स ही बनाता था दूसरों के लिए प्रोडक्शन भी करता था म्यूजिक प्रोडक्शन फॉर अदर पीपल सो दूसरे कंपोजर्स दे रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक तब फेसबुक था

but tell me something when you saw it going viral hmm. what was the feeling i'm sure you didn't expect it to go this viral absolutely not but uh, i would say that the engagement was really good on th in that week and the two videos i put before that were also doing great hmm. so i knew that this would work but that when I put video and after that the, that whole day whole night i didn't sleep only that night because i was just scrolling through the comments and you imagine every refresh the numbers are growing numbers yeah. are growing and somehow people were then recognizing my older stuff also hmm ek video se aake wo baaki niche dekh rahe the acha iska ye bhi acha hai iska ye bhi acha hai to wo purane videos bhi upar upar aa rahe the uski wajah se algorithm mein so that started happening and uh, yeah the entire week including my parents everybody was on the phone looking who now has commented who now has shared it it's crazy but

अपना की लेकर जाओ मैं ऑर्केस्ट्रा के साथ नहीं गाता था मैं अपना की बोर्ड लेकर खुद ही बजा के खुद ही गाता था तो मुझे प्राइवेट पार्टीज में बुलाते थे तो एक बार संगीत भी किया मैंने एक बार वेडिंग भी किया है बर्थडे पार्टी किया सब तो उसमें सबसे इजी था कि जाओ अपने मन के गाने गाओ और मतलब वो ऐसा ओकेजन ऐसा होता है कि आप मैं गा सकता था कुछ दूसरे गाने उनको ऐसा नहीं था कि मेन स्ट्रीम ही गाओ उनको रही कि तू गा गाई खड़ा हो जाए यहाँ पे बैठ जा और गाते थे

all those songs so mm -hmm. वो मेरा list में हमेशा था. so those are the songs that everybody likes basically a lot of kk songs a lot of kk songs lot of yeah most of the kk songs Yeah. a lot of Pritam sir songs yeah so wo sare gaane to wo mera rashmi playlist like everybody loves it sabne sune hue hai sabko pata hai gaane aur mujhe gaane mein bahut maza aata tha and somehow i don't know matlab मतलब, you may not remember his movies for the content Yeah yeah. yeah, yeah. but gaane nahi bhulte absolutely absolutely or more and also i used to make a medley तो अब मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर इन द सेम जोन यू कैन पुट देम इन वन ट्रैक तो मैं तीन कॉर्ड्स ले रहा था तीन कॉर्ड्स में आई जस्ट जस्ट टू कीप ऑन सिंगिंग तो पांच दस पंद्रह मिनट का एक ही ट्रैक चल रहा है मेरा बट आई एम जस्ट पुटिंग डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स इन दैट वन ट्रैक सो दैट वॉज द आइडिया बट वॉज म्यूजिक ऑलवेज लाइक द प्रोफेशनल गोल फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम आई डिड नॉट रिकोगनाइज दैट इट कुड बी अ प्रोफेशनल गोल

तो मैं रिकॉर्डिंग और कवर्स तब भी बना रहा था लेकिन वही था कि अगर इधर कुछ हुआ नहीं अगर तो फिर बैकअप के लिए बस मतलब भूखा नहीं मरना चाहिए कभी इसलिए तो वो बैकअप प्लान था लेकिन इमेजिन ना कि इंटरनेट आ जाएगा सडनली इतना तो मतलब क्रिएटर इकोनॉमी बन जाएगी और ऊपर से लोग करियर बना लेंगे व्लॉगिंग करके अपना yeah. सो तो

चंक होता है

ये सोशल नेशन का कुछ इवेंट हुआ था हुँ. तो वहाँ पे न्यू मी उसके पहले मैंने एक अवार्ड फंक्शन में किया था तो वहां पे सब एलिट लोग बैठे थे ऑडियंस मतलब नहीं थी ऐसे तो पचास साठ लोग थे उधर मुझे मतलब मैंने ट्रैक बनाया ये दस मिनट परफॉर्म करूंगा मैं गया नॉट सिंगल रिस्पॉन्स कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया मेरे ट्रैक्स पे शायद उनको पता नहीं होंगे मेरे ट्रैक्स वो भी है लेकिन फिर मैं यहाँ पे जब किया तो और यंग क्राउड कुछ आई थिंक 800 900 लोग होंगे कुछ हुँ. हजार हजार के आसपास होंगे एंड एवरीबडी न्यू द सॉन्ग्स ऑफ कोर्स या एंड मतलब बहुत मजा आया परफॉर्म करके आई परफॉर्म थ्री फोर ट्रैक ट्रैक्स देयर एंड लाइव परफॉर्मेंस आई एम सिंगिंग दे आर सिंगिंग विद मी सो दैट्स डिफरेंट हाई सो वो करना है लेकिन उसमें मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है एक लाइव शो mm. कि सही 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 पड़ जाए माइक हो ही ही हो साउंड टाइमिंग इज़ इज़ वेरी कोऑर्डिनेशन टू मच इन माय स्टूडियो आई एम ओनली वन रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग अ ईयरफोन आई आपको लो फ्रीक्वेंसी सुनाई देनी चाहिए या नहीं, नहीं so, yes. so, hmm. so, थोड़े थोड़े सुननी एंजॉय

फॉर एग्जाम्पल इफ आई टू गिव यू की कुछ अगर है, और उसमें अगर मैं बीट डाल दू और उसको uh, foot tapping बता दू, so it's done. उसमें हो गया काम बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर बडी ठीक है so, सो लेट्स गाली वाली हो या फिर इट्स वेरी फनी बट वेरी ओवर द टॉप बहुत उसमें एग्रेसिव हो

हम्म hmm. hmm. और वही बिंग बिंग वाली ऑडियंस फिर आपको लाइव शो पे मिलती शो है।, है जो अवार्ड शो वाली ऑडियंस से कोई नहीं करती बिल्कुल ऑपोजिट होती है उनके बट लाइक लेट्स से यू स्पोक अबाउट तोड़ा कुत्ता टॉमी ऑफ कोर्स एज अ पंजाबी तो आई थिंक व्हेन शी सेड इट एंड जस्ट दैट क्लिप वेंट वायरल इट वाज हिलेरियस राइट बिकॉज़ एज़ आई सेड इट्स एन इमोशन कि मतलब यू नो तुम्हारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो मेरा कुछ नहीं या

then there was another clip where she was saying something like such a boring day hmm iye such I know. a boring people yeah ye wala ye bhi acha hai so i put a beat to it and then i added a, uh, added some part to it lyrical part then i thought ki what if na mai karta hu reel and suddenly she only appears in the video kya maza aayega so i had texted her the dm pe i had spoken to her before that when the video went viral so, what so did you like, say when ha karte hain nahi jab when the video went viral like did she say something और मतलब फैन की वजह से वो एकदम से वीडियो एकदम बूस्ट हो गया, hmm. तो ये जब भेजा तो आई थिंक वी शॉर्ट इड इन दिस बिल्डिंग ओर लीवे स्टूडियो तो शेयर करते हैं तो मुझे आई रियली लाइक कि अच्छा मैं रील चल रहा है चल रहा है चल रहा है बिकॉज टिल देन ऑल माई रील्स वर मेड इन द स्टूडियो तो मैं सडनली आएगा सडनली यहाँ पे फ्लिप आएगा एंड शहनाज उल्ली कम टू द रील कि मजा आएगा अच्छा स्पेशल अपियरेंस टाइप एंड वी वेंट एंड वी शॉर्ट एंड टर्न आउट रियली वेल या या ऑफ कोर्स या बट रिसेंटली आई सॉ एन इंटरव्यू ऑफ हर्स वेयर समबडी आस्क्ड हर कि यू नो लाइक आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली का क्या रिस्पांस है यू you नो know, आपकी फेम पे and शी इज जस्ट लाइक मेरे पेरेंट्स का क्या रिस्पांस है वो पूरा यूज कर रहे हैं मेरी फिल्म को दिस इज वेरी फनी दिस इज वेरी फनी आई लव इट आई लव हर कैंडा आई थिंक शी इज जस्ट हर ऑनेस्टी इज वेरी एंडियरिंग वेरी ऑनेस्ट वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड वेरी स्वीट एंड वेरी फन टू हैंग आउट आल्सो शी मतलब एंड शी विल सडनली स्टार्ट आई हैव मेड अ व्लॉग विद हर आल्सो because i was i met her and I was speaking to her and there is no Like there is topic ka koi flow nahi. like one moment she'll will be having fun talking about. The second moment she'll start talking about meditation. So suddenly we are dancing, suddenly she's talking about something uh, serious. And the flip is uh, insane. So hmm. vlog ma pura capture. Hua hai. Achha, gil, okay, like yeah. now we go back to Rasoda time and yeah. everybody is just going nuts yeah. over it. I want to ask you what is the प्राइस ऑफ पॉपुलरिटी बिकॉज पीपल से इट्स ओवरनाइट सक्सेस पर उसमें बड़े साल लगते हैं टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस है ना like. सालों की मेहनत लगती है टू हैव दिस वन रील और वन लाइक यू नो दिस थिंग गो वायरल एंड देन सडनली लाइक एवरीवनस डीएमिंग यू दे वांट टू लाइक डांस टू योर सॉन्ग्स रणवीर दीपिका आई थिंक दैट दैट शनाज सिंह ओनली डिड यू सी पीपल चेंज अराउंड यू उसके पहले का मुझे पता ही नहीं था तो so, मुझे लगा की ऐसा ही कितना, मुझे, could, आपके, आपके आसपास के लोगों का नहीं नहीं बिल्कुल नहीं Nothing? बिल्कुल नहीं मतलब वो टाइम तक मैं थोड़ा बड़ा हो गया था तब तक मैंने तब तक जो मुझे लग रहे थे कि यार थोड़ा सा ना मैं जो भी मुझे थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील कराता है अपने दोस्तों में या फिर लॉन्ग दूसरे वाले सर्कल में वो मैं पूरा कट कर चुका था वो रिलेशन सारे तो तब तक थे ही नहीं वो लोग जब तक थे वो तो एक मेरा दोस्त है अभी मेरे साथ ही रहता है संकेत तो उसके साथ तो अब लाइक वी आर फ्रेंड्स सिंस 2008 नाउ हम्म hmm. तो उसमें कोई चेंज तो होता ही नहीं है तो फॉर्चुनेटली नहीं हुआ और बस मेरे पेरेंट्स का अप्रोच टुवर्ड्स इंटरनेट इतना उन्होंने पी लिया उनको मेरे से ज्यादा पता है अभी वो दिन भर अभी भी ये मेरे डैडी मुझे कॉल करके वो स्ट्रेटेजीज बताते रहते हैं कि अभी मेरा हॉकी का ये ट्रैक हाँ। बनाया

अपना प्रमोशन देख खुद को ही करना होता है। है। तो तो <laughs> तो मुझे तो मुझे मुझे नहीं ना ये क्रिएटिव में की ज़्यादा आ रही <laughs> yeah, yeah. yeah. का तो मुझे इतना पता नहीं अभी द मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट राइट आर आल्सो प्रैग्मेटिक एंड एनालिटिकल क्योंकि एज योर फादर आई थी खुद की डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको आनी चाहिए लेट्स टू डिस्ट्रीब्यूट हिज टैलेंट और टू शोकेस इट इन वेरियस वेज दट हीरली फॉर ऑनप्रनोर्स आई फील ऑनटरप्रीनोर्स में जिनमें थोड़ी क्रिएटिविटी होती है वो

Correct. So you need to have, I think, a balance of both mm. to really crack the code. Very interesting. I I don't consciously think about it, but naturally you get an idea of the algorithm. And recently, I have decided after like uh, having multiple discussions with Tanmay, but that the thing going on, why make something that will you know that it won't work, but I want to do it. You can still do it. So what I do now, I make a track. वही चीज डालूंगा जो मेरे को लगता है कि यार ये चलेगी hmm. अब कौन सा चलेगा नहीं चलेगा वो तो बता नहीं सकते लेकिन यू हैव टू बी एटलीस्ट थोड़ा श्योर कि अच्छा ये मैंने अपने लिए डाला है लेकिन मेन प्रोफाइल पर डाला है ऐसा नहीं चलता बट डीड इट

आई गेट एन आइडिया की ये टाइम पे तो नहीं डालना चाहिए अभी। hmm. तो इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू लेकिन अभी कोई न्यूज आ गई है कुछ हो गया है लेट्स नॉट पुट ग्यारह बजे कल शाम छह बजे डालते हैं तो इट इज द वेरी इंस्टिंगटिव मुझे पता इन साइट देख के मुझे समझ आता है कौन yeah. सा क्या चल रहा है yeah. तो माहौल बिकॉज आई डोंट है

नहीं चला बैड लक बैड लक नेक्स्ट टाइम वी विल डू इट अगेन दैट फियर गोस अवे आई थिंक ऑफ कोर्स वन पार्ट इज नोइंग व्हाट वर्क्स एंड वन पार्ट इज बिलिविंग आई वर्क या दैट्स ट्रू यू नो दैट्स ट्रू सो टुमारो इवन इफ योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल गॉट फॉर इट समथिंग हैपेंस बट यू विल स्टिल गेट योर ऑडियंस या दैट ऑडियंस आई डोंट नो बट आई नो आई विल बी एबल टू सरवाइव मैं कुछ तो कर लूंगा बिकॉज़ आई हैव स्पेंट इयर्स इन डूइंग द मेकिंग द Craft right. Yeah. So मेरे ko गाना bana lunga मैं. It's भी. also very interesting space because I had not heard anyone else do it outside of you before yeah. you. But after you, a few people have come. Yeah, yeah. Who've tried the same format, yes. etc. Yes. So. Yeah, and it is working. Some of them are really good. मतलब बहुत अच्छा-अच्छा कर रहे हैं. और like बहुत अभी भी काफी कम लोग हैं who are in the creator space and dedicatedly make music. Hmm. और एंड जिंगल्स आल्सो मतलब देर आर मोस्टली डांस वाले डांस क्रिएटर्स है देर आर देन देर आर कॉमेडी क्रिएटर्स देर आर इंफोटेनमेंट वो है स्पेसिफिकली फॉर म्यूजिक काफी कम लोग है अभी भी जो बना रहे हैं सो आई थिंक वो बढ़ेगा अभी आगे जाके आर यू मोर ऑफ अ म्यूजिशियन टुडे और मोर ऑफ अ क्रिएटर आई थिंक

But there also, I think of the hook here. That's I, I think I'm more of a creator only now. But more, I'm I'm a musician. When I'm making tracks for other people, I'm making jingles where I don't have to worry about where it where it's going to go. The outcome. The out where? have huh, It's not the platform is different. So sure. I give it to them. They'll put on TVC, I don't. Oh, that's not my concern.

ये मैंने सोच के रखा है इसका मैंने हाँ, पूरा तो क्या, क्या प्लान बी तो देखो मैं गाने तो बना सकता हूँ हाँ. गाने बनाऊंगा और गाने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे मतलब जरूरी नहीं कि इंटरनेट बंद हो गया क्या वॉट इज दू

फिर वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया मुझे पता नहीं था तो स्पीकर कैसे लगाने हैं तो मुझे ये पता है कि अगर अगर मैं ऐसे देखूंगा स्पीकर मुझे यहाँ फेस कर रहा है और यहाँ फेस कर रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी सही से आएगी तो सेटिंग हियर तो ये सब मैंने सीखा है इंटरनेट से तो अब वो नहीं होगा तो पता नहीं मैं सीख पाऊंगा या फिर इंटरनेट तो दे सकते हो आप मुझे चलो इंटरनेट ले लो हाँ तो इंटरनेट होगा तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ना गाने बना सकता हूँ गाने बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अज्यूमिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से अगर आप वो भी ले लोगे तो लाइव शो <laughs> मैंने ऐसे हाँ। एकदम बहुत एब्सर्ड सिनेरियो में सोच के रखा है कि अगर मुझे यहाँ पे सडनली आई लूज आउट ऑन एवरीथिंग एंड आई एम ऑन सम एकदम आइलैंड पे चला गया हूँ वहां कोई नहीं पहचानता तो मैं रास्ते पर खड़े होकर गा सकता हूँ मैं गा लूंगा आई वोट मैं, वो, मैं भूखा तो नहीं मरूंगा किधर हाँ। कहीं गया तो मेरे एक्सट्रीम सिनेरियो में आई आई कैन टीच

हाँ, वो की नहीं नहीं मारूंगी हाँ, इतना है है तो 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 कर कर सकते फिर तो फिर फिर मुझे लगता इससे में और क्या ही ही होगा कि मतलब आवाज मतलब आवाज चली बहुत ही अगर हाँ, उतना तो उससे कुछ नहीं हो सकता हाँ. बट इतना मैंने सोच के रखा है कि अगर कुछ नहीं हुआ बिकॉज हुआ, हुआ कुछ कुछ लोग जब टिकटॉक बैन हुआ उनका एवरी थिंग उन्होंने

बट आई रिलाइज कि लाइव शो में वो मजा आता ही नहीं जो येयरफोन्स पे सुनने को मिलता है। दैट इज ट्रू। आई 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 थिंक आई एम गोइंग टू एवरीविड यू। आई थिंक द ओनली थिंग दैट अ लाइव शो हैज इज जस्ट एनर्जी। एनर्जी। लाइक दैट आर टू शोज दैट आई थिंक आई विल नेवर फॉरगेट। इन द

सो so, तो वो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है बट ये आई हैव सीन एआरस आर आल्सो लाइव हम लेकिन मजा तो सुनने में आता है बिकॉज़ अलग है मेरा hmm. मतलब दैट इज मी लाइक लाइव का तो कुछ भी बहुत भीड़ होगी मैं तो वैसे ही बोर होता हूं अच्छा यू मेंशन टू लेजेंडरी नेम्स एंड वी नीड टू टॉक अबाउट बोथ या वन इज अमित त्रिवेदी यस राइट आई एम आल्सो अ मैसिव फैन आई फील लाइक ही इज सो लेजेंडरी दैट यू कांट कॉल हिम अंडररेटेड या या बट

और hmm. uh, मैं जितना मेरा सालों का जितना वो एक फैन का वो था मैंने सब उनको हाँ पे उगल दिया, दिया। hmm. उन, मतलब बहुत वेरी स्वीट एंड आई जस्ट उनका ऐसा होता है कि, हां, मतलब, है कि मतलब कैजुअल अप्रोच उनके लिए दिस ऐसे ही बनना तो और कौन सा ऑप्शन hmm. होता है सो दैट वाज मतलब बहुत दैट वाज वन ऑफ द Imagine you're about internet, अगर नहीं होता तो आई कैन इमेजिन तब लोग जो yeah. तो हिट हुए होंगे कितने अच्छे गाने होंगे वो वो ये सारे बैरियर क्रॉस करके लोगो तक पहुंचे पॉपुलर हो गए

And I was shaking. I was so nervous. मैं बता नहीं सकता मैं कैसे, मैंने कैसे बात की मुझे ही पता है. And me, थोड़ा, ले जा सकता हूँ अभी मेरे पास एक घंटा है मुझे ऐसा लगा पूछ लेता, जली 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 आंसर लेता yeah. ये दस मिनट खराब नहीं होने चाहिए तो मैंने बहुत सारा मिस करके इतना बोल सकता था इतना पूछ सकता था

और वही इंसान ऑस्कर भी जीतता है तो उनका रेंज इतना आप उनको मेन स्ट्रीम भी बोल सकते हो yeah. आप उनको नीच भी बोल सकते हो आप उनको टेक्निकली एडवांस भी बोल सकते हो और उन्होंने एकदम बहुत बेसिक कंपोजिशन और बेसिक वाले भी गाने बनाए वो hmm. तो सब कर सकते हैं hmm. उनके कंट्रोल में इतना क्राफ्ट है कि वो मेरे एक गुरुजी थे मैं एट या नाइन्थ स्टैंड में उनके पास सुर लगाने जाता था बस तो उन्होंने मुझे बोला था कि जो बच्चा सौ मार्क के पेपर के लिए चालीस मार्क की पढ़ाई करता है वो पास नहीं हो सकता लेकिन जो जो बच्चा सौ माह के पेपर के लिए सौ मार्ग की तैयारी करता है वो अस्सी तो ले आएगा लेकिन जो बच्चा सौ माह के लिए दो सौ की पढ़ाई करके आता है वो सौ भी ला सकता है अगर आप उसको बोलोगे कि उसको पंद्रह लाने तो पंद्रह भी ला सकता है अगर आपके पास कंट्रोल दो का है या। सो यार सर यारोल कंट्रोल अगर उनके पास द क्राफ्ट इज सो हाई सेम फॉर सोन ऑल्सो आई थिंक

As uh, as morbid as it sounds, like like when you know me, Sonu, Karan Nikhil any of us die, like the song is ready. Yeah, तो <laughs> like yeah. हम सब गर, के, उस पे, हाँ, पे, ये गाना छोड़ के जा रहे हैं हम बहुत बढ़िया मतलब उसमें भी उनका वो गाना सुन रहा था कल जाए जाए

and but it was made with such honesty for the character for the film yeah eventually it cuts through mm. acha abhi legends ke mein bahut baat kar li but ek legend ke bina baat kare thoda incomplete ho jayega and that is my favorite virat kohli oh yeah how was that i'm so jealous are matlab so i i'll tell you मैं sports से मेरा इतना कनेक्शन कभी नहीं था बचपन से yeah, I was always that guy was घर पे बैठ के की बोर्ड खेलने भी नहीं आता I was that person. Hmm. But, uh, मुझे बोला गया मेरा ने वो में, वो uh, आयुष. क्रेजी oh, like विराट कोहली फैंस. ओके. उन्होंने हेयर कट भी भी. वैसा करके रखा है अभी तो so, मुझे पता था, था. Hmm. So, बोला

सो वी डिसाइडेड कि वो श्रीलंका में मैच चल रही है उनकी एंड वी हैव टू गो टू श्रीलंका तो पासपोर्ट रेडी कर दो ट्वेंटी सेकेंड हमको जाना है एंड वहाँ से फिर वो मैचेस उनके वहाँ चल रहे थे शायद तो ठीक है मैंने बोला कि ट्वेंटी सेकेंड मॉर्निंग ट्वेंटी सेकेंड हाँ मॉर्निंग वी हैव द फ्लाइट तो ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट इवनिंग को मुझे वहाँ से निकलना पड़ेगा मेरे शहर से और यहाँ पे मुंबई आना पड़ेगा यहाँ से जाना पड़ेगा तो ट्वेंटी वन ट्वेंटी फर्स्ट कि इवनिंग को आई एम रेडी विथ माई बैग एंड एवरी थिंग रेडी टू गो और फिर सौरभ का कॉल आया कि एक्चुअली कैंसिल हो गया क्योंकि उनको टाइम नहीं वहाँ पे वो रिहर्सल कर रहे हैं अरे भैया ये तो अच्छा लाइक वी वुड दिस क्लोज अगर चले जाते तो अच्छा बन जाता एनी वे आई वॉज डूइंग द जिंगल फॉर द ब्रांड सो वो होने वाला था बट विराट कोहली बींग इन दीडियो वुड है तो मुझे लगा शिट यार ये तो अभी तो नजर लगी नजर लगी शायद इस और क्यूँकी तो बताने से ऐसा लगता है की नहीं हुआ तो मुझे वो एम्बेसमेंट पब्लिक हो जाएगी उससे घर ना? वाले थोड़ी बताएंगे किसी को लेकिन घर वालों को तो पता है ना अच्छा घर वालों को अगर मैं बोलू

You yeah. know, grab onto what opportunity and yeah. just like a dash of luck. Yeah, yeah. I think that just makes everything. Yeah. Really, think, really beautiful. I guess, I guess. Among many things that are beautiful, yeah. you have recently gotten married. Yeah. Not recently, but like. Yeah, February. Yeah. But uh, how did you meet your partner? Uh, we were dating before that. Before we got married. When did you guys start dating? I think after, like, I met her for the first time before the video went viral. 2020, starting May, I met her. Mm -hmm.

इनफैक्ट एंगेजमेंट भी नहीं किया हमने शादी के बाद सिर्फ रिंग एक्सचेंज किया क्योंकि अभी थोड़े लोग बुला लिए तो इनके सामने कुछ तो करना पड़ेगा hmm. तो रिंग एक्सचेंज की केक काटा एंड इट सो वी साइन दर पेपर दैट वाज मे बी म्यूचुअली डिसाइड कि यार फिर कोई हॉल लो या फिर वेयर पीपल है पब्लिक प्लेस उसमें वो बात नहीं है जो अपने घर में शादी करने में hmm. तो हमको लगा कि अपने ही घर में करते हैं जहाँ रह, रहने वाले हैं

everyone kind of wants that so they like right. looking at it as well Sure. So then could good, good, another way to monetize yeah personal relationships <laughs> <laughs> but like what is your monetary goal Chal, tell me this uh, yeah i mm, recently started thinking about because my friend sanketh who stays with me i told you he's an investment banker yeah so he has recently got got into this the obm karrat mairat satmar

मुंबई yeah. so the, the yeah. uh, अगर हाँ बस उससे फिर नहीं तो हॉलीडे का कोई मतलब ही नहीं है अगर मुझे वहां जाके ये देखना पड़ता है कि ठीक है रूम अच्छी नहीं है लेकिन रह लेता हूँ क्या दो ही दिन को रहना है आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट सो मुझे किसी ने नंबर बोला था क्या आठ सौ करोड़

बिकॉज़ आप उससे यू you know, नो घर भी अगर नहीं उससे आप घर की किश्त दे सकते हो गाड़ी की दे सकते हो स्टाफ कर सकते हो बच्चे अगर करने हैं तो उनकी फीस दे सकते हो छुट्टियों पे हर महीने जा सकते हो अपना mm -hmm. जितने खाने खा सकते That's हो महंगी घड़ी पहन सकते हो बहुत कुछ कर सकते हो ओके सो हाँ मतलब

ठीक है अपने रूल्स होंगे उसमें कौन आएगा कौन आएगा मैं डिसाइड करूंगा ओशो के पता <laughs> नहीं लेकिन फिर अगर मेरे मर्जी से ही चलना है हाँ। तो मैं जमीन का एक टुकड़ा ही पूरा खरीद लूंगा हाँ। और उसमें क्या होगा और कैसे होगा सब मैं डिसाइड करूंगा कर हाँ। तो मुझे जो लोग पसंद नहीं, नहीं हाँ, है वो नहीं कट हो गए फ्रेंडशिप से भी कट हो गए और लैंड से भी कट हो गए मतलब जो लोग नहीं पसंद वो नहीं चाहिए आसपास नहीं मतलब लोग दोस्तों पसंद है

मस्त है अभी तो अभी कोई टेंशन नहीं है तब भी मैं म्यूजिक ही बनाऊंगा म्यूजिक तो बनाता रहूंगा बिकॉज हाँ. वो इंटरनल पीस तो मुझे म्यूजिक बनाने से ही मिलेगा इज इट मेडिटेटिव फॉर यू द एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिंग म्यूजिक 100% 100 इट्स इट लुक्स वेरी केओटिक व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज़ आई एम सर्चिंग फॉर द इधर देख रहा हूं फिर ऐसे कर रहा हूं फिर वो सुन रहा हूं फिर ऐसे कर रहा हूं बट इनसाइड माय माइंड आई एम इन कंप्लीट शार्प फोकस फॉर दैट फॉर दोस व्हाट मे बी इट इज 20 मिनट्स ओनली बट वो 20 मिनट्स आई डोंट रियलाइज की कब 20 मिनट्स हो गए तो फिर hmm. वो उसके बाद फिर मैं आलस करता हूँ थोड़ा सा फिर इधर उधर घूम के फिर बैठता हूँ फिर 20 मिनट्स इस कंप्लीट फोकस बट डेट इस वेरी एन्जॉयबल बट आई नो डेट 80 करोस वुड अलसो बी वेरी एन्जॉयबल सो यू डू डेट 20 मिनट Yeah, मुझे अगर नहीं आया तोरी अप्रोच है

Uh, that is is this the first time you said it? I think so. Yes. <laughs> <laughs> so yeah. So I can do that. Yeah. So I'm a craftsman more than an artist. So it's easier. So yeah. Is this zone is correct? Because yeah, I saw a very interesting uh, video where Javed Akhtar was explaining the difference between art and craft. Yeah. So he said art is something that you.

Things are slightly definitive. Hmm. I go in the art format also. Like the idea of combining dialogues with music yeah. is—you can say that it's a artistic expression. Hundred percent. But the craft is to get the hook right. Yeah. The craft is to get the beat right. The craft hmm. is to make that set in a 40-second content piece so that people enjoy it. So, hmm. I I would like to learn more about craft than a spiritual process that I will never be able. to.

तो फिर तो स्पिरिचुअल कनेक्ट शायद हो जाएगा हम्म hmm. लेकिन इनिशियली मेरे को लगता है कि बस जावेद अख्तर अप्रोचेस बेटर जावेद अख्तर अप्रोचेस ऑल आई एम अ ह्यूज जावेद अख्तर फैन ऑल सेम द मैन मेड हिमेश देशमुख साउंड सो डीप एंड फैंटास्टिक इन नमस्ते लंदन सो यू हैव टू बी अ फैन या या एब्सोल्युटली एंड लाइक ये मुझे अप्रोच भी उनके उनसे ही आया रिसेंटली स्टार्टेड रीडिंग बुक्स या आई एम आई एम या आई हैव रेड अ कपल एज़ वेल या आई आई रेड व्हाट तरकश एंड सो लवली या

कौन सी लास्ट देखी लास्ट hmm, तो मैंने uh, मुझे अल्पना को दिखाई थी मेरी वाइफ को तो मैंने वॉर डॉग्स देखी कल तो मैंने पहले देख चुकी थी लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है वॉर डॉग टॉड फिलिप्स वाली हुँ. बहुत अच्छी फिल्म है लेकिन कोई भी मुझे हॉरर uh, जॉनर बहुत पसंद है हॉरर कॉमेडी के हॉरर हॉरर प्रॉपर हॉरर तो उसमें मुझे ज्यादा स्टिम्युलेटिंग ज्यादा लगता है अच्छी हॉरर खराब हॉरर तो कृष्णा कॉटेज कौन कृष्णा

उसको मैंने परसों वो दिखाई जॉनी गद्दार तो ये सारी फिल्म जो मैंने लव जॉनी गद्दार एंड व्हाट म्यूजिक ओ माय गॉड शंकर एहसान लॉय इट्स फिनोमिनल म्यूजिक तो जॉनी गद्दार uh, उसको मुझे एक हसीना थी इज इन द लिस्ट एक हसीना थी हैव यू सीन इट ऑफ कोर्स ऑल श्रीराम श्रीराम राघवन ना बोथ श्रीराम राघवन अंदाजून श्रीराम राघवन ओह ब्रिलियंट सुपर फिल्म अमित त्रिवेदी एक

तो आप क्या करेंगे तो आप बहुत अच्छी पिक्चर देखेंगे और सो जाएंगे और अच्छी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? फिर भी नहीं फिर तो टेंशन में वो होता कौन है इसको, इसको मुझे करने के लिए अच्छा इसीलिए अच्छा अच्छा, नहीं चला ये, ये गलत है इसमें लाइक आई मेड ओरिजिनल ट्रैक धागा तो मैंने वो बनाया तो दिल से ही लेकिन उसमें मुझे पता था कि यार ये पंद्रह सेकेंड कट जाएगा ना तो अपना रील पे काम हो जाएगा

अभी उनका हो गया उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट जो करना था वो कर दिया मुझे बहुत पसंद है राम गोपाल वर्मा तो लेकिन अभी उनका ऐसा है कि अभी मैं बनाऊंगा कुछ भी बनाऊंगा मैं और डिपार्टमेंट तो देखा होगा लास्ट

अब आपको इमेजिन करना है रसोड़े में कौन था बट द सोनू निगम वर्जन ऑफ इट सोनू निगम का आवाज तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ लेकिन ठीक है आई कैन डू मिक्का इफ यू वॉन्ट डू इट है ना हाँ ऊपर से चने निकाल दिया और गोले को गरगास पर चढ़ा दिया चढ़ा दिया चढ़ा दिया <laughs> हाँ। <laughs> उट no, उदित <laughs> you I have a you उनका आवाज यार ये ये राशि थी कुकर में से चने निकाल दिए <laughs> और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया चढ़ा दिया <laughs>

Yeah. love it thanks yashraj yes. this was a blast thank you thank so you good having, um, having you and meeting you and uh look forward to everything amazing that you do now thank and you for having me and i had a wonderful chat likewise. Uh, some things that i just thought i never spoke i spoke here love it so yeah it's, we had a nice chat after us so thanks for coming and thank you. um as always, whatever you make gets stuck in my head. So I'm looking forward to whatever next you come up with so that that can get stuck in my head now. Thanks. <laughs> Thank you, Thank you. Thank you. Thank you for having me.